मधुर साई दिव्य संदेश, मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, भवसागर तारका दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश। प्रेम वाहिनी अध्याय 9। अहंकार से अशांति उत्पन्न होती है। मानव नाना प्रकार की स्वार्थी आदतों और प्रवृत्तियों को अपने में उत्पन्न कर लेता है, उनका विकास कर लेता है। इस प्रकार वो अपने लिए महान असंतोष पैदा कर लेता है। इन सब के लिए उसे अपने संचित शक्ति बोध से शक्ति, अधिकार और सत्ता को अधिकाधिक मात्रा में प्राप्त करने और अपूर्ण तथा नाशवान पदार्थों के लोभ से प्रबल प्रेरणा मिलती है। वास्तविकता तो यह है कि मनुष्य इन्हें कभी भी उतनी मात्रा में प्राप्त ही नहीं कर सकता जिससे कि वो तृप्त और संतुष्ट हो सके। एकमात्र सर्वेश्वर ही सर्वशक्तिमान होता है, जो कि सभी का स्वामी प्रभु होता है। सभी कलाओं का ज्ञाता होकर अथवा संपूर्ण धन का स्वामी होकर अथवा सभी ज्ञान का भंडार होकर अथवा सभी शास्त्रों में पारंगत होने से गर्व और प्रसन्नता का अनुभव करने लगता है। परंतु उसे ये सब कहां किससे प्राप्त हुआ है? निश्चय ही वे स्रोत उससे अधिक महान होंगे। भले ही व्यक्ति ये घोषणा करे कि ये सब उसके स्वयं के अध्यावसाय के परिणाम स्वरूप प्राप्त किया है, ये केवल उसी के घोर अथक परिश्रम का फल है। परंतु निश्चय ही ये किसी एक अथवा अनेक ने उसे किसी न किसी रूप में दिया है, वो इसे झूठला नहीं सकता। वो स्रोत जहां से सभी अधिकार और शक्ति उद्भूत होती हैं सर्वेश्वर है। उस सर्वशक्तिमान की उपेक्षा करके यदि कोई भ्रमवश ये कल्पना कर ले कि ये अल्प शक्ति जो उसे प्राप्त है केवल उसी के परिश्रम का फल है, तो निसंदेह ये उसका स्वार्थ, भ्रम, घमंड और अहंकार मात्र है। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में शक्ति का आधार है तो उसे सत्यता, दयालुता, प्रेम, धैर्य, सहन शक्ति और कृतज्ञता के गुणों से युक्त होना चाहिए। जहां भी ये सद्गुण होते हैं अहंकार पलायन कर जाता है, उसके लिए वहां कोई स्थान नहीं होता है। इसलिए इन गुणों का अपने में विकास करने की चेष्टा करो। आत्मा का प्रकाश अहंकार से आच्छादित हो जाता है, इसलिए जब अहंकार नष्ट हो जाता है तभी संकटों का अंत हो जाता है, सभी असंतोष अदृश्य हो जाते हैं और आनंद की उपलब्धि हो जाती है। जैसे सूर्य कोहरे में छिप जाता है, अहंकार की भावना शाश्वत आनंद को छिपा देती है। नेत्रों के खुले रहने पर भी एक दफ्ती या कपड़े के टुकड़े से दृष्टि को प्रभावी रूप से सफलतापूर्वक अवरुद्ध किया जा सकता है। इसी प्रकार स्वार्थ भी मनुष्य को भगवान के दर्शन पाने से रोक देता है, जबकि सत्य तो ये है कि वो भगवान ही हमारे सबसे समीप होता है। अनेक साधकों, तपस्वियों, साधुओं और सन्यासियों ने जो दीर्घकाल की साधना और तपस्या से, कष्ट और बलिदान से जो पुण्य लाभ अर्जित किया, उसे स्वार्थ से जकड़े होने के कारण खो दिया। क्योंकि भगवान के साक्षात्कार के बिना शक्ति एक ऐसी दीवार की तरह होती है जिसका कोई आधार या नींव न हो। कोरा पांडित्य प्रदर्शन किस काम का? वेद, शास्त्र, उपनिषद तो दैनिक जीवन में उतारे जाने वाले सिद्धांतों का संग्रह होते हैं। इसलिए बिना इस व्यवहारिक ज्ञान के व्यक्ति का शब्द भंडार चाहे जितना विशाल हो, उसकी विद्वता चाहे जितनी उच्च कोटि की हो, वो सब भीषण बर्बादी है। वेद, शास्त्रों और उपनिषदों के ज्ञान को अपने वास्तविक जीवन में उतारने के लिए व्यक्ति को मैं जानता हूं की भावना का त्याग करना पड़ता है और उसे अपने ज्ञान चक्षु सार ज्ञान के दर्शन के लिए खुले रखने पड़ते हैं और उस पर मनन करना होता है। तब निश्चय ही व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है। पंचांग में 10 विश्वा वर्षा लिखी हो सकती है,
परंतु चाहे कोई उसको 10 बार मोड़कर भी दबाए तो एक बूंद भी वर्षा उसे नहीं प्राप्त की जा सकती है। पंचांग का उद्देश्य वर्षा का जल देना नहीं बल्कि ये सूचना देना होता है कि इस वर्ष कितनी वर्षा किस प्रकार से होगी। इसके पृष्ठों में तो 10 बूंद भी जल नहीं होता है। वर्षा का जल तो आकाश में स्थित बादलों में होता है। इसी प्रकार शास्त्र तो सिद्धांतों, नियमों, उपनियमों और स्वयं सिद्धियों और कर्तव्यों के संबंध में सूचना मात्र देते हैं। वेद, शास्त्र, उपनिषदों की ये महान विशेषताएं हैं कि वे शांति और मोक्ष प्राप्ति के उपायों और क्रियाओं के संबंध में शिक्षा देते हैं, परंतु उनमें ये आनंद का सार भरा नहीं होता है कि कोई इन पाठों का केवल पारायण कर दे अथवा दबाकर निचोड़ ले। व्यक्ति को इनमें वर्णित मार्ग, दिशा और लक्ष्य को स्वयं खोजना पड़ता है। उस मार्ग पर उसी दिशा में उसी प्रकार चलना पड़ता है और तब लक्ष्य तक पहुंचा जाता है। यदि फिर भी मैं सब जानता हूं कि चेतना अहंकार उत्पन्न कर दे तो इस भ्रम से मृत्यु हो जाती है। मोक्ष का रहस्य इस ज्ञान को आत्मसात कर लेने में रहता है। पुनर्जन्म तो अपरिहार्य है ही, यदि इस संकट से न बच सके तो। यदि इस सबसे सावधान होकर तुम आध्यात्मिक साधनों में रत हो गए हो तो संसार और उनकी दुश्चिंताएं तुम्हें प्रभावित न कर सकेंगी। इस सत्य से दूर रहने पर ही तुम्हें कष्ट भोगना पड़ता है, पीड़ा होती है और भव बाधाएं सताती हैं। बाजार से दूर स्थित होने पर तो स्पष्ट कोलाहल नहीं सुनाई देता है, परंतु ज्यों ज्यों हम इसके समीप बढ़कर आते हैं और इसमें प्रवेश करते हैं, हमें स्पष्ट रूप से बाजारू सौदेबाजी की पृथक पृथक ध्वनियां सुनाई पड़ने लगती हैं। इसी प्रकार जब तक परमात्मा तत्व से साक्षात्कार नहीं हो जाता है, तुम जागतिक कोलाहलों से अभिभूत और अशक्त बने रहते हो। परंतु एक बार भी जब तुम गंभीर आध्यात्मिक प्रकाश में संलग्न हुए तो हर बात स्पष्ट हो जाएगी और तुम्हारे अंदर वास्तविक सत्ता का ज्ञान उदय हो जाएगा। जब तक ऐसा नहीं होता, तुम निरर्थक तर्क वितर्कों, शास्त्रार्थ और पांडित्य प्रदर्शनों के कोलाहल में डूबे रहोगे। जय साई राम। मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, मधुर मधुर साई दिव्य संदेश, भवसागर तारका दिव्य संदेश, साई संदेश दिव्य संदेश।